हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस बी लिवॉन। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम फॉर समर सीज़न। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्रीम्स मैं ट्राई कर चुकी हूँ और कुछ मैंने नई ली हैं जो मैं ट्राई करने वाली हूँ, तो उन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगी। एंड फ्रेंड्स, जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर बताऊँगी आपको, उन सब के कहाँ से आपको ख़रीदना है और उनके प्राइस और सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। सो मेरी रिकमेंडेशंस के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मामा अर्थ ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र के बारे में। गाइस, ये मॉइस्चराइज़र जो है वो आइडियल है एक्ने प्रोन स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए, और मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल है और ये मेरी स्किन पर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसको मैंने मेरा फ्री प्रोडक्ट था स्मिटन ऐप से और मैंने इसे यूज़ किया। मुझे इतना अच्छा ये लगा, आप देख सकते हैं इसकी जो ट्यूब है वो पूरी खाली हो चुकी है। मैंने इसका फुल साइज़ प्रोडक्ट भी मंगवाया है और जैसा कि सब जानते हैं मामा अर्थ जो है वो फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड है और ये इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये जैसा इसमें लिखा हुआ है कि ये जो स्किन है उसको ज़्यादा ऑयली नहीं करता है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं मैंने इसका फुल साइज़ प्रोडक्ट भी ऑर्डर किया है। तो समर्स के लिए ये बेस्ट चॉइस है और इसकी जो प्राइस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। पॉकेट फ्रेंडली भी है, तो दिस इज़ गुड। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँगी पॉन्ड सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र और इट कम्स विद हायलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई। तो ये दो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं और दोनों ही इंग्रेडिएंट, चाहे वो हायलुरोनिक एसिड हो या फिर विटामिन ई हो, स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। स्किन की जो रिंकल्स होती हैं, फाइन लाइन्स होती हैं, उनको दूर करने में हेल्प करते हैं और स्किन का जो मॉइस्चर होता है उसे रिटेन करने में भी हेल्प करते हैं। एंड गाइस, इसके साथ साथ ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है और सारे सीजन्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ यही चीज़ें देखकर, इसकी यही फीचर्स देखकर मैंने इसे मंगवाया। अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है लेकिन मैं इसे यूज़ ज़रूर करूँगी और इसका रिव्यू आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। सो गाइस, नेक्स्ट जो मेरा पिक है फॉर दिस समर सीज़न वो है सीटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। एंड दिस इज़ ऑल्सो सो वेरी गुड क्रीम, वेरी गुड मॉइस्चराइजिंग क्रीम और थोड़ा सा प्राइस अगर आप इसके देखें तो थोड़े हाई हैं, बट इसका वर्क जो है दैट इज़ अनबिलीवेबल। मतलब आई एम इन लव विद दिस क्रीम और ये सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आप इसे एज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसे एज प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट इस क्रीम का ये है कि आप इसे ऑल स्किन टाइप्स ईजिली यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे आपकी ड्राई, ऑयली, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन कैसी भी स्किन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्किन जो है को ज़्यादा ऑयली नहीं करती है, मैट फिनिश प्रोवाइड करती है। और मेरी तरफ से ये क्रीम हाईली रिकमेंडेड है और समर्स में आप इसे यूज़ करिए, चाहे आप इसे विंटर्स में यूज़ करिए। तो फ्रॉम माय साइड दिस इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम फॉर ऑल सीजंस एंड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सो नेक्स्ट यहाँ मेरे पास है प्लम ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र और मैं रियली बताऊँ तो मैंने अभी तक इस प्लम ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। दिस विल बी माई फर्स्ट प्रोडक्ट। तो इसमें इसकी अगर मैं बात करूँ इस ब्रांड के बारे में, तो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% वीगन एंड क्रुएलिटी फ्री होते हैं। इसमें अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ जो इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं वो हैं ग्लाइकोलिक एसिड एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, और ये दोनों ही ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और एक्नेस को दूर करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर ये लिखा है कि ये ऑल सीजन्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो और एक चीज़ और यहाँ पर लिखी है कि ड्राई स्किन जिनकी है वो इसे यूज़ नहीं कर सकते। सो बेसिकली दिस मॉइस्चराइज़र इज़ मेंट फॉर ऑयली स्किन और उसके साथ साथ जो नॉर्मल स्किन जिनकी होती है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्किन के साथ थोड़ा एक ये प्रॉब्लम होती है कि समर्स में हम लोगों की स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है। तो हम लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट पार्ट इसका ये, आप किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। और प्लम की एक और ब्रांड की बात है कि आप इन्हें अपनी एम्प्टी बॉटल्स अगर आप भेजेंगे तो ये उन्हें रिसाइकल करेंगे। तो अगर आपने भी अपनी बॉटल्स रिसाइकलिंग के लिए भेजी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
इसके अलावा मैं यहाँ पर बात करूँगी फेसेस कैनेडा के पीचेस एंड क्रीम मॉइस्चराइजर की। ये टिंटेड मॉइस्चराइजर है और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि स्किन को परफेक्टली हाइड्रेट करता है और उसके साथ साथ उसे एक नेचुरल ग्लो भी देता है, क्योंकि इसके अंदर टिंट है और वो हल्का सा उसके अंदर पीची लुक प्रोवाइड करता है। और इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड किसी भी सीजन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड समर सीजन में ये बेस्ट है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और ये स्किन को मैट फिनिश प्रोवाइड करता है, उसे ऑयली ज़्यादा नहीं बनाता है और इसके साथ साथ आप इसे एक अच्छा सा मेकअप बेस भी आपको प्रोवाइड करता है। आप कहीं भी आपको जाना है, आप बस ये मॉइस्चराइजर लगाइए, हल्का सा मेकअप करिए और चले जाइए। सो एट दी एंड मैं आपको इसे यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इसमें से किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मुझसे डिटेल रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं जल्द से जल्द उसका रिव्यू आपके सामने लेकर आऊँगी। और बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।